शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। नाज़रीन इकराम, खिलाफत अता करने के बाद देहली शरीफ से रुखसत करते वक्त हज़रत मौलाना फ़खरुद्दीन देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने क़िबलाए आलम ख्वाजा नूर मोहम्मद मुहारवी रहमतुल्लाह अलैह को हुक्म दिया था कि महार शरीफ में मुस्तकिल क़याम इख्तियार करने के बाद हर जुमा पाक पतन शरीफ में पढ़ा करें। आपने इस नसीहत पर बदिलो जान अमल किया। आप हर जुमा को महार शरीफ से पाक पतन शरीफ जाते, हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत करते, मस्जिद औलिया में इबादत करते, जामे मस्जिद बाबा साहब में जुमा पढ़ते और फिर वापस रवाना हो जाते। तकरीबन 15 वर्ष आपका ये मामूल रहा। ताजुल आरिफीन में लिखा है कि महार शरीफ में क़याम फरमाने के बाद आपने उम्र अज़ीज़ के 15 साल शेख शयूखुल आलम हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत के मुजाहिदा में सर्फ कर दिए। पाक पतन शरीफ महार शरीफ से बराह रास्त 60 मील की मुसाफत पर है। मंगल के दिन आप महार शरीफ से रवाना होते, जुमे रात को पाक पतन शरीफ में हाजिरी होती, बाद नमाज जुमा वापसी फरमाते और इतवार की शाम को महार शरीफ पहुंच जाते। सोमवार का दिन घर रहना नसीब होता और मंगल को फिर रवानगी हो जाती। मनकूल है कि गर्मी, सर्दी, बीमारी, कमजोरी, कोई भी चीज़ आपके इस मामूल और वजीफा में कभी हायल ना हुई। 15 साल हाजिरियों की कुल मुसाफत तकरीबन 93,600 मील बनती है। गुलशन अबरार में है कि जब आपके मिजाज गरामी में जोफ पैदा हुआ तो हज़रत बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह ने हुक्म दिया कि अब आप इतनी तकलीफ ना किया करें, अब हर जुमा के दिन मेरे पोते ख्वाजा ताज सरवर रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत कर लिया करें। इस इरशाद गिरामी के बाद आपने अपना मामूल बना लिया कि आप हर जुमा के रोज़ महार शरीफ से बाप्यादा बस्ती ताज सरवर का सफ़र इख्तियार करते, जो महार शरीफ से 5 मील के फासला पर है। हज़रत बाबा ताजुद्दीन सरवर शहीद चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत करते और नमाज जुमा भी यहीं मस्जिद ताजुल औलिया में अदा करते। आप हज़रत बाबा ताज सरवर रहमतुल्लाह अलैह के एहतराम में कुछ फासला से बरहना पा हो जाते थे। फरमाते थे कि हज़रत बाबा ताज सरवर रहमतुल्लाह अलैह के चारों तरफ इस कब्रिस्तान में बहुत से सुलहा भी अपनी नींद सो रहे हैं। नाज़रीन इकराम, वीडियो पसंद आई हो तो इसका इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। आमीन या रब्बल आलमीन।